अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल आयशा रिज रेसिपीज। तो ये देखिए आज क्या बनाया है मैंने, जबरदस्त सा सैंडविच। जो सैंडविच मैंने बनाया है वो दो टाइप के सैंडविच है, एक है मेयो तंदूरी मेयो चिकन सैंडविच और एक है तंदूरी चिकन सैंडविच। तो चलिए बनाना सीखते हैं हम कैसे बनाते हैं सैंडविच। तो आज मैं बना रही हूँ तंदूरी चिकन सैंडविच एंड तंदूरी मेयो सैंडविच, जिसके लिए ये मैंने ले लिया है 250 ग्राम्स चिकन और इसके बहुत ही फाइन छोटे 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 पीसेस कट कर लिया है मैंने इस तरह से। ये मैंने बोनलेस चिकन मंगवाया था और उसके इस तरह से स्मॉल पीसेस कर लिया है ताकि ये बहुत आसानी से गल जाए। तो इसके हम मैरिनेशन पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, 1/4 टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक मैं ज़्यादा नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं बहुत ही कम नमक यूज़ कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/4 टीस्पून हम डाल देंगे इसमें हल्दी पाउडर और अब हम इसमें डाल देंगे बादशाह का तंदूरी मसाला और अगर आपके पास एवरेस्ट का है तो वेल गुड, बहुत अच्छी बात है। ये 1/2 टीस्पून हम ये भी डाल देंगे, 1/4 टीस्पून हम डाल देंगे चाट मसाला। पिंच ऑफ मैं डाल रही हूँ फूड कलर, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो डालो अगर या तो ना डालो। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह मिक्स करना है इसे और इसे एटलीस्ट 1 आवर के लिए रेस्ट पे रख देना है। मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए हम रेस्ट के लिए रख देंगे इसे। तो ये मसाला हमारा अच्छी तरह लग गया है, अब हम इसे 1 घंटे के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई को गर्म करने रख दिया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, बहुत ही कम ऑयल डालना है, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है ऑयल। 1 घंटा हो चुका है हमारा, अभी सारी चिकन जो है हम कढ़ाई में डाल देंगे। और इसे कुक होने देंगे, पानी वानी डालने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, ये अपने ही मॉइस्चर में गल जाएगी चिकन, ये चिकन अपना ही पानी छोड़ेगी। तो हम इसे 2 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। तो ये देखिए ये 2 मिनट हो गए हैं, थोड़ा सा पानी है, हम इसको पूरा पानी सुखा देंगे, बिल्कुल भी हमें पानी की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये मैं पानी पूरा सुखा दे रही हूँ, यहाँ देखिए पानी सूख गया है, चिकन भी गल गई है, सॉफ्ट हो गई है चिकन। तब हम इस चिकन को कर लेते हैं ठंडा और चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहाँ हमारी चिकन हो गई है ठंडी। तो हम सबसे पहले प्रिपरेशन कर लेंगे तंदूरी मेयो चिकन की। तो ये देखिए ये होममेड मेयोनीज है, ये मैंने घर में बनाया है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही थिक बना है। अगर आप इसकी रेसिपी चाहते हैं तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं, इसकी रेसिपी अवेलेबल है। तो अब हम ये 1 टेबलस्पून डाल देंगे, इसी के साथ हम डाल देंगे थोड़ी सी ग्रीन चिली, स्पाइसी स्पाइस के लिए ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो डालो या तो नहीं। थोड़े से मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्च, कैप्सिकम बारीक चॉप किया हुआ। अब डाल देंगे हम चिकन, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। बहुत ही बढ़िया होता है ये सैंडविच, बहुत टेस्टी लगता है। आप इसमें चाहे तो सैलेड लीव्स भी डाल सकते हैं, कैबेज डाल सकते हैं, बट मैं सिर्फ यही डाल रही हूँ, इतना ही। तब हम इसे ब्रेड पे स्प्रेड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 स्लाइस ब्रेड ले लिया है, अगर आप चाहो तो इस पे बटर भी लगा सकते हैं, मैं बटर का यूज नहीं कर रही हूँ। अब हम अच्छी तरह से सैंडविच के ऊपर ये जो हमारा मेयो चिकन
का मिक्स है, ये हम अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। अगर आप चाहो तो इसे इसी तरह खा सकते हैं बिना ग्रिल करे हुए, पर मुझे थोड़ा ग्रिल करा हुआ पसंद है तो मैं इसे ग्रिल कर रही हूँ। अब दूसरी ब्रेड को हम इस तरह इसके ऊपर रख देंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्रेड पे, नेक्स्ट सैंडविच पे, जो मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का सैंडविच। इसके लिए मैं यूज़ करूँगी बटर, क्योंकि हम इसमें मेयो यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ हम बटर का यूज़ कर लेते हैं एक स्लाइस पर। और दूसरे स्लाइस पर मैं लगा रही हूँ ग्रीन चटनी। अगर आपको ग्रीन चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं, ग्रीन चटनी की रेसिपी भी अवेलेबल है। तो ये देखिए इस तरह से हम लगा देंगे इसे। अब मैं थोड़े से चिलीज़ डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे स्पाइसी पसंद है, बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो बेशक ना डालें। थोड़े से कैप्सिकम डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे कैप्सिकम पसंद है। अगर आपको कोई और वेजिटेबल पसंद है तो वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। और लास्ट हम इसमें डाल देंगे चिकन तंदूरी, जो हमने बनाया था, ये ऐड कर लेंगे हम इसमें इस तरह से। सारी साइड्स को कवर कर लेंगे चिकन से। अच्छी तरह पूरा स्पेस कवर करना है, थोड़ा भी ब्रेड नहीं दिखे वैसा। तो ये हो गया है। हमें कोई मसाला वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें पहले ही चिकन में डाल दिया था। ये हो गया है हमारा चिकन सैंडविच रेडी तंदूरी। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे, इसको ग्रिल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन गरम कर लिया है, थोड़ा सा बटर से हम ग्रीस कर लेंगे पैन को, थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है। मेयो सैंडविच और ये चिकन टिक्का सैंडविच, ये दोनों भी हम इसी तरह तवे में ग्रिल कर लेंगे। स्लो आंच पे करना है ताकि ब्रेड अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाए, वरना ब्रेड जल जाएगी। ये साइड हम थोड़ा सा बटर लगा लेंगे। इस तरह से हमें दोनों स्लाइस पे भी ब्रेड लगा लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह इसे थोड़ी देर होने देते हैं, एक मिनट के लिए सेक लेंगे एक तरफ। तो एक मिनट हो गया है, अब हम इसे अच्छी तरह टर्न कर लेंगे। बहुत ही आसानी से टर्न हो जाता है थोड़ा सा हाथों की मदद से। अब ये साइड भी हम इसे एक मिनट के लिए टोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ हमारे एक मिनट हो चुके हैं, मैं इसी तरह इसे कट कर लेती हूँ, 1/2 कर लूंगी मैं इसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा चिकन मेयो सैंडविच और चिकन टिक्का सैंडविच बिल्कुल रेडी है। आप भी इसी तरह बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। और अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआओं की गुजारिश।